प्रभु ने हम सबको एक और धन्य अवसर दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। और आज जितने भाई बहन लोग इस सभा में उपस्थित हैं, उन सबको प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार और जय मसीह की। पिछले एक साल से ज़्यादा हो गए हम प्रभु के वचन से, पवित्र बाइबल से प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु के वचन के अध्ययन के दौरान प्रभु ने आज से हजारों साल पहले संसार की जो सृष्टि की थी वहाँ से आगे उस इतिहास को हमने देखना शुरू किया था। बीच बीच में हम प्रभु यीशु के बारे में और प्रभु यीशु ने जो कुछ किया उसको भी देखते जा रहे थे। आज हम वापस वो जो हिस्ट्री या जो चरित्र हम देख रहे थे उसकी तरफ वापस जाएंगे और प्रभु के बच्चों के जीवन में जो घटनाएं हुई थीं और उन घटनाओं के दौरान प्रभु के बच्चों ने उन घटनाओं को किस तरह से लिया, और ज़रूरत पड़ने पर प्रभु ने अपने बच्चों की मदद किस तरह से की, ये सारी बातें आज देखेंगे। मेरे साथ पवित्र बाइबल के निर्गमन नामक पुस्तक का 15वां अध्याय खोल लें, एक्सोडस 15, निर्गमन 15, उसके 22 से हम देखेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिनके पास पुराना नियम नहीं है सिर्फ नया नियम है वो लोग सुन लें। 22वें पद में हम देखते हैं, निर्गमन 15 का 22, तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए। इसके पहले की घटना मैं आपको याद दिला दूं, इसराइली लोग जिनकी संख्या लाखों थी वो लोग मिस्र देश में परदेशियों के रूप में रह रहे थे, लेकिन मिस्र देश के राजाधिराज लोगों ने उनको गुलाम बना लिया था और इन गुलामों से कड़ी सेवा करवा रहे थे, उनको सेवा के बदले जो मिलने चाहिए वो नहीं दे रहे थे। इन सब का फल क्या हुआ कि प्रभु के बच्चों ने प्रभु से याचना की कि प्रभु यहाँ जीवन बहुत कठिन है, हमको छुटकारा दीजिए। प्रभु ने एक महान नायक मूसा को उनके बीच में भेजा और उस महान नायक ने जाकर मिस्र देश के राजाधिराज से कहा, प्रभु कहते हैं कि प्रभु की जनता को छोड़ दो, उसने नहीं छोड़ा और हम जानते हैं कि किस तरह से 10 मुसीबतें प्रभु ने मिस्र देश में भेजी और उसका परिणाम क्या हुआ कि आखिरी मुसीबत जैसे ही आई मिस्र के राजाधिराज ने कहा ले जाओ अपने लोगों को, 6 लाख के करीब पुरुष थे, मतलब कुल मिलाकर संख्या अनुमान है कि जनता 20 लाख के करीब होगी। तो 20 लाख के करीब लोग वहाँ से चले गए, तब मिस्र देश के लोगों को लगा कि अरे इतनी बड़ी गुलाम सेना को हमने जाने दिया, और मिस्री लोगों ने देश के सबसे ताकतवर घोड़ों को लेकर सैकड़ों रथों में इन लोगों का पीछा किया। मिस्री लोगों ने जब पीछा किया और इसराइली लोगों ने मुड़कर देखा तो इधर पहाड़ उधर पहाड़, सामने लाल समुद्र। और मैंने ये बात याद दिलाई थी कि समुद्र की गहराई सैकड़ों फुट होती है, तो उसको तैर करके आप पार नहीं जा सकते, और पीछे रथों को लेकर इसराइली लोग। प्रभु ने उस समय मूसा को जो संदेश दिया था वो संदेश ये था, शांत रहो, डरो मत, विचलित मत हो जाओ, उद्धार प्रभु की तरफ से आएगा। और प्रभु की तरफ से उद्धार आया कैसे, मनुष्य के इतिहास में ऐसी घटना ना तो इसके पहले हुई थी ना इसके बाद में हुई थी। इसके बाद एक नदी के पानी को जरूर प्रभु ने रोक दिया था, लेकिन नदी के पानी को रोक देना
और समुद्र को दो टुकड़े कर देना जिससे कि बीचों बीच सूखी जमीन दिखाई दे, इनमें बहुत फर्क है। तो इसके पहले ऐसी घटना नहीं हुई थी, इसके बाद ऐसी घटना नहीं हुई। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार अपने हाथ में जो लाठी थी वो लाठी जब समुद्र के ऊपर उठाई तो इसराइलियों को आश्चर्य हुआ कि वो गहरा समुद्र उनकी आँखों के सामने दो टुकड़ों में बट गया और बीच में सूखी जमीन, दोनों तरफ सैकड़ों फुट पानी दीवार के समान खड़ा हुआ है, उसके बीचों बीच 20 लाख के करीब जनता पार करके चली गई। और जब प्रभु की जनता ने समुद्र को पार कर लिया तो वो समुद्र फिर से वापस आकर जुड़ गया और प्रभु के बच्चों का जो लोग पीछा कर रहे थे, जो लोग उनको गुलाम बनाना चाहते थे, जो लोग उनसे लड़ाई करना चाहते थे, जो लोग उनका संहार करना चाहते थे, वे स्वयं शिकार हो गए, सब के सब पानी में डूब मरे, यहाँ तक कि सारे रथ वो भी पानी में डूब गए। इस तरह की कोई घटना आपने अपने जीवन में देखी है क्या? नहीं, मैंने और आपने इतनी अद्भुत घटनाएं अपने जीवन में नहीं देखी हैं। अच्छा, मान के चलिए कि इस तरह की एक घटना आपके साथ घटती है, उसके दो दिन के बाद आपके ऊपर फिर से कोई मुसीबत आती है, आपका क्या रिएक्शन होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, या मेरी क्या प्रतिक्रिया या मेरा क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो अच्छे से अच्छे लोग मुसीबत के सामने डर के मारे कांपते हैं और फिर जीवन में बड़बड़ करने लगते हैं या शिकायत करने लगते हैं। इसलिए प्रश्न मैं बदल कर यूं पूछना चाहता हूं, जिसने अपने जीवन में या जिस जनता ने अपने जीवन में प्रभु का इतना अद्भुत कार्य देखा, दो या चार दिन के बाद जब वे एक और मुसीबत उनके सामने आती है तो उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, अरे दो दिन पहले तो इतनी भारी मुसीबत में प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमको छुटकारा दिया था, मुसीबत से छुड़ाया था, इस कारण ये जो छोटी सी मुसीबत हमारे सामने आई है इसके लिए भी हम प्रभु की ओर देखें। आओ दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, प्रभु ने चार दिन पहले हमारे जीवन में कितना अद्भुत कार्य किया था और इस कारण आज ये मुसीबत हमारे ऊपर आई है। हम ऐसा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु से याचना करते हैं, प्रभु जरूर रास्ता निकालेंगे, ये होना चाहिए। सी, हमारी जब मुसीबत आती है तब हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए, ठीक है इन लोगों ने क्या किया, इस पहले ये देखें कि इन लोगों के ऊपर क्या मुसीबत आई और फिर ये देखें कि इन लोगों ने जब मुसीबत आई तब क्या किया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए तीन दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। ये लोग मरुभूमि में यात्रा कर रहे हैं, मरुभूमि से मेरा मतलब है एक ऐसी जमीन जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं है, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, ऐसे इलाके में ये लाखों लोग यात्रा कर रहे थे और इन लोगों को पीने का पानी का सिर्फ एक जरिया होता है। जब कोई मरुभूमि में जाता है तो वहाँ कोई नल थोड़ी लगे रहते हैं, अरे गांवों में भी कई बार नल नहीं होते, शहरों में नल नहीं होते, तो मरुभूमि में कहाँ से नल आएंगे। और ये घटना मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ ये आज से 3500 साल पहले की बात है, जब नल होते ही नहीं थे। मरुभूमि से होकर जब वो लोग गुजरते थे तब सिर्फ
पानी का सिर्फ एक रास्ता था, या तो कोई तालाब मिल जाए या कोई नदी मिल जाए या पानी का सोता मिल जाए। तो नदी नाले तो उस इलाके में ज़्यादा होते नहीं थे, तालाब उनको कोई नहीं मिला और फिर पानी का सोता भी नहीं मिला। सोता जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आज शहरी जीवन के कारण हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पानी के सोते को देखा है। मैंने बचपन में बहुत लंबी लंबी यात्राएं प्रभु के वचन को दूसरों को सुनाने के लिए जीप में अन्य लोगों के साथ यात्रा की है, और हम जब जंगलों से होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते थे, जहां ना तो कोई गांव होता था ना कोई आबादी होती थी, तब हमेशा हम ये देखते जाते थे कि कहीं पानी बहता हुआ दिख रहा है क्या, और यदि बहता हुआ पानी दिखता है तो वहाँ हम उतर कर कहाँ से बह रहा है ये देखते थे, और एक 20, 30 या 40 फुट चलने के बाद ज़मीन में से ऐसा तेज़ी के साथ निकलता हुआ पानी दिखता था। इसे बोलते हैं पानी का सोता। और मरुभूमि में जनरली पानी का रास्ता ये सोता होता है, और पानी के सोते जनरली साल भर पानी देते रहते हैं। जितना आप उसमें से भर लेंगे उतना ही आता चला जाएगा। 3 दिन तक ये लोग देखते गए पानी के लिए कोई रास्ता है क्या, एक भी सोता मरुभूमि में इनको नहीं मिला। ओके, ये कौन लोग हैं जिन्होंने 4 दिन पहले प्रभु के द्वारा दी गई मुक्ति, प्रभु के द्वारा किए गए अद्भुत कार्य को देखा था? 3 दिन तक जब पानी का सोता नहीं दिखाई दिया, तब उन्हें क्या करना चाहिए था? हे प्रभु, आप अपने बच्चों को छुटकारा देकर यहाँ ले आए हैं, और हे प्रभु पानी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमारे जानवरों की हालत खराब हो रही है, हमारे पत्नियों की हालत देखिए, जिनके ऊपर सारा भार है, वो लोग पानी के मारे, प्यास के मारे तड़प रहे हैं, और हे प्रभु हमारे नन्हे बच्चों को देखिए जो पानी के बिना पानी के परेशान हो रहे हैं। इस तरह से प्रभु से अपनी ज़रूरत बताने या अपनी याचना प्रभु के सामने रखने के बदले उन लोगों ने क्या किया, यात्रा करते रहे और एक जगह पहुँचे जहाँ पर पानी उनको मिल गया। 23वें पद में हम देखते हैं, मारा नाम एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था। मैंने बहुत बार प्रभु के वचन में ये पद पढ़ा है कि पानी खारा था। मैं सोचता था कि अरे खारा हो तो क्या हुआ, प्यास लग रही है, थोड़ा सा पी लो तो कम से कम प्यास बुझ जाए। ट्रांसलेशन के कारण अपने को समझने में कई बार कठिनाई आती है। सही शब्द ये होना चाहिए कि वहाँ का पानी बहुत अधिक नमक युक्त था। एक ग्लास पानी पीने को आपको दे दिया जाए और उसमें 1 टीस्पून नमक भी घोलकर दे दिया जाए तो आप कितना पिएंगे? आप उसको पीकर थूक देंगे। मैं पहली बार यात्रा के दौरान जब मैं ऐसी जगह जहां पहुंचा जहां का पानी खारा था, तो थोड़ा सा पानी लेके चुल्लू भर पानी पीने के बाद इमिडिएटली थूक दिया और थूकता ही रहा जब तक मुझे इस बात की गारंटी नहीं हो गई कि मुंह से वो नमकीन टेस्ट पूरी तरह से चला गया है। ये है खारा पानी। पानी मिल गया, प्यास के मारे सब लोग बाल्टी बर्तन लेके पानी पर टूट पड़े होंगे, और टूट पड़ने के बाद जब पानी लेकर पिया तो पता चला कि बाप रे, पानी का स्वाद इतना भयानक है, नमक मिला हुआ पानी है जिसको हम पी नहीं सकते। उनको क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया ये छोड़िए, उनको क्या करना चाहिए था? प्रभु आपने अपने बच्चों को छुटकारा दिया,
आपने अपने बच्चों के लिए इतने अद्भुत कार्य किए, हे प्रभु ये पानी जो खारा है जिसको हम पी नहीं पा रहे हैं, प्रभु आप इस संसार के सृष्टा है, इस पानी को मीठा कर दीजिए। ये होना चाहिए था, उनको ये बोलना चाहिए था, उनको ये प्रार्थना करनी चाहिए थी, उनको ये याचना करनी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे, हम क्या पिए। जरा ध्यान दें, प्रभु ने छुड़ाया, प्रभु के छुटकारे को उन्होंने देखा, लाल समुद्र प्रभु ने उनके सामने स्प्लिट करके दो टुकड़ा कर दिया, दोनों तरफ सैकड़ों फुट पानी खड़ा हुआ है, उसको देखते दे पानी के बीच में से वो पार हो गए। 3 दिन पानी नहीं मिला, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना नहीं की। ऐसा होता है क्या हमारे जीवन में? होता है, होना नहीं चाहिए। जीवन में जब मुसीबत आती है, इमीडिएटली छोटी से छोटी बात हो तो भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं एक 12 या 13 साल का था, तो ग्वालियर से अपने दादाजी से मिलने के लिए केरल आया। दादाजी मेरे साथ एक बोतल नारियल का तेल भेजना चाहते थे। उस समय उत्तर भारत में नारियल का तेल आसानी से नहीं मिलता था। बोतल मिल गई घर में, लेकिन उसमें लगाने के लिए ना तो ढक्कन है ना कॉर्क है। दादाजी बोले, आओ बेटा कॉर्क बाजार से खरीद लाते हैं। जाने से पहले दादाजी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना की, प्रभु आप दयालु हैं, महान हैं, और हम बाहर जा रहे हैं, आने जाने में हमारी सुरक्षा कीजिए। ये तो सही बात है। उसके बाद प्रभु ने कहा, हे प्रभु बिना कॉर्क के ये बच्चा कैसे इस तेल को ले जाएगा, और इसलिए आज ये कॉर्क मिलने के लिए मेरी मदद कीजिए। उस जमाने में, मैं ये 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस जमाने में किसी भी चीज़ को खरीदिए बोतल के ऊपर कॉर्क ही लगा हुआ आता था। वो एक बहुत आम चीज़ थी, बहुत कॉमन था। मुझे उस दिन लगा कि दादाजी क्या कर रहे हैं, कॉर्क, अरे बाजार में एक दुकान में जाओ एक नहीं 50 कॉर्क मिल जाएंगे, वो भी हर तरह के शेप में, छोटा बड़ा मध्यम सब। लेकिन नहीं, दादाजी के सामने जब ज़रूरत आई तब उन्होंने छोटी ज़रूरत को प्रभु के सामने रखा, और उससे मैंने ये पाठ सीखा, एक विश्वासी के जीवन में ज़रूरत, चाहे छोटी ज़रूरत हो या बड़ी ज़रूरत हो, प्रभु के सामने अपनी ज़रूरत को रखने में हमें कभी परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमें कभी हिचकना नहीं चाहिए। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ था, बहुत बड़ा पाठ। प्रभु के बच्चों के सामने जब कोई मुसीबत आती है, चाहे छोटी मुसीबत हो, चाहे सामान्य मुसीबत हो, चाहे बड़ी मुसीबत हो, इमीडिएटली तुरंत हमारे मन से ये प्रार्थना आनी चाहिए, प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, और इस कारण मेरे जीवन में ये जो जरूरत है इसमें मेरी मदद कीजिए प्रभु। ये लोग 3 दिन चलते रहे, पानी नहीं मिला, ढूंढते रहे, लेकिन इन्होंने प्रभु से प्रार्थना नहीं की। प्रभु उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, और ट्रेनिंग का ये जो पहला चरण था या दूसरा चरण कहें, इसमें जिस तरह से उनके जीवन में व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार हम नहीं देखते हैं। बल्कि जब पानी मिला तो, हे प्रभु आपका शुक्र है 3 दिन के बाद पानी मिला, ये कहने के बदले वो लोग पानी के ऊपर टूट पड़े, और जब पानी पिया और बेहद नमकीन पानी मिला या कड़वा पानी मिला, तो हे प्रभु आपने जल दिया, प्रभु इस जल को मीठा कर दीजिए, ये कहने के बदले प्रभु ने उनकी अगुवाई के लिए जो नायक नियुक्त किया था मूसा, मूसा के विरुद्ध ही बड़बड़ करने लगे।
तुम हमको और हमारे बच्चों को इस जंगल में मार डालने के लिए लाए हो। जरा सोचें, इस तरह का व्यवहार उचित है क्या? अरे मनुष्य जो नहीं कर सकता इस तरह के 10 अद्भुत कार्य 2-3 हफ्ते पहले देखे, उसके बाद उस घटना के 3,500 साल बाद आज भी मनुष्य अपनी विज्ञान की मदद से या अपनी तकनीकी की मदद से जो कार्य नहीं कर सकता, मतलब सैकड़ों फुट गहरा समुद्र उसको बीचों बीच विभाजित करना, उसको तब प्रभु ने उनके सामने किया। ये सब देखने के बाद इस मुसीबत में मूसा के विरुद्ध बोलने के बदले उन लोगों से प्रभु ये उम्मीद करते थे कि वे प्रभु से बोलेंगे, प्रभु पानी मीठा कर दीजिए, नहीं किया। प्रभु नाराज हो गए थे जब आगे हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं, लेकिन 25वें पद को हम पहले पढ़ें। 25वें पद में लिखा है, तब मूसा ने प्रभु को दोहाई दी। दोहाई देना किसकी जिम्मेदारी थी? रिक्वेस्ट, याचना किसकी जिम्मेदारी थी? जो जनता पानी के बिना परेशान हो रही थी उनकी जिम्मेदारी प्रभु की दोहाई दे, प्रभु की, प्रभु से विनती करे। लेकिन यह विनती कौन करता है? मूसा। और जब मूसा ने विनती की तब प्रभु ने उसे एक पौधा बता दिया जिसे उसने पानी में डाल दिया और वो पानी मीठा हो गया। बस जाके काटा या उखाड़ा, पानी में डाला, पानी मीठा हो गया। आपको क्या लगता है कि 20 लाख लोगों के पीने के लिए जितना अमाउंट पानी चाहिए, उसमें एक पौधा डाला तो पौधे के रस ने पानी को मीठा बना दिया क्या? जरा सामान्य बुद्धि से सोचें, पौधे से जो रस निकला है उस रस ने उस अति विशाल जल के स्रोत को या तालाब को मीठा नहीं किया। प्रभु ने उस पौधे को एक जरिया बनाया लोगों को ये बताने के लिए कि देखो, मैं जब कार्य करता हूँ तब उसका रिजल्ट होता है, परिणाम आता है। जैसा प्रभु ने बोला मूसा ने वैसा किया, जल मीठा हो गया, पानी मीठा हो गया। उसके बाद उन्होंने प्रभु का आभार माना या कुछ है क्या? नहीं, यहाँ प्रभु का वचन इस तरह से कोई भी डिटेल नहीं बताता है, हमको नहीं मालूम। लेकिन जब हम प्रभु के बच्चों का इतिहास पढ़ते हैं तब उससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि जब भी कोई परेशानी हुई तो बड़बड़ करने लगे, जब प्रभु ने दिया तो उस पर टूट पड़े। लेकिन प्रभु के प्रति अपना आभार प्रकट करना ये उन लोगों ने नहीं सीखा था। बहुत कम अवसरों पर हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु का आभार माना। लोगों का ये व्यवहार इतना गलत था कि प्रभु ने उनके लिए एक नियम बना दिया, जो हम आगे के पद में देखते हैं। वहाँ प्रभु ने उनके लिए एक नियम, एक विधि और नियम बनाया, यह कहकर उनकी परीक्षा की, तुम अपने प्रभु का वचन तन मन से सुने और जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वही करे, और प्रभु की आज्ञाओं पर कान लगाएं और प्रभु की सारी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने तुमको गुलाम जिन मिस्रियों ने बनाया था उन पर भेजा था, वो रोग तुम लोगों पर नहीं आएगा। प्रभु को ये बताना पड़ा कि देखो, मैंने तुमको बहुत नियम बताए हैं, विधियां बताई है, सही रीति से जीवन जीने का एक तरीका होता है, मेरे बच्चों उस तरीके से जियो तो मैं तुमको स्वस्थ और चंगा रखूंगा, नहीं तो तुम पर तमाम तरह की मुसीबतें आएंगी। वहां से वो लोग आगे बढ़े तो प्रभु ने फिर से उनके ऊपर करुणा दिखाई। 27वें पद में देखते हैं, वहां से आगे बढ़कर वे एलीम नाम के स्थान पर आए, वहां पानी के 12 सोते थे। एक सोता ही बहुत होता है क्योंकि वो 2400 घंटे पानी देता है। यहाँ प्रभु की जनता को 12 सोते मिले, जिसमें से
वो जितना पानी प्राप्त करना चाहते थे प्राप्त कर सकते थे, और वहाँ खजूर के 70 पेड़ भी थे, जिसका मतलब है कि वहाँ ज़मीन के अंदर पानी था और वो लोग वहाँ पर कुछ समय के लिए सेटल हो सकते थे, जिससे कि उनको थोड़ा सा विश्राम और आराम मिले। विश्राम और आराम मिलने के बाद उन्होंने प्रभु का आभार माना, क्या ये हम अगले संदेश में देखेंगे। लेकिन आज प्रभु के वचन से जो हिस्सा हमने पढ़ा और अध्ययन किया, उसके आधार पर मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हमारा जीवन पूर्णतया शांत नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानी होती रहेगी। ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि मैं प्रभु की संतान हूँ और इस कारण मेरे जीवन पर कभी कोई मुसीबत ना आए, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है। प्रभु ने इस संसार में हमको रखा है, तो प्रभु बीच बीच में हमारी परीक्षा भी लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु ने यह कहकर उनकी परीक्षा की। तो कल को सुबह सुबह जब आप दफ्तर में पहुँचें तनख्वाह लेने के लिए, और आपका बॉस बोले कि इस हफ्ते तनख्वाह नहीं दे पाऊँगा, आप तो ये मानकर बैठे थे कि आज तनख्वाह मिलेगी तो घर को मनी ऑर्डर करूँगा, जिससे कि आटे दाल का पैसा बीवी या पिताजी उधर दुकान वाले को दे सके, जिससे कि अगले हफ्ते के लिए आटा दाल खरीद सके। और आज ये कह रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, मैं क्या भेजूंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी, मेरे घर वाले क्या खाएंगे। जब इस तरह की घटना होती है, और होती है मेरे दोस्तों, इस तरह की घटना होती है, तब क्या हम किस तरह से सोचते हैं कि इमीडिएटली हम टूट जाते हैं? नहीं, टूटना नहीं चाहिए। प्रभु इस तरह की घटनाएं, प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु ने उनकी परीक्षा की, जो इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु इस तरह की घटनाएं जानकर मेरे और आपके जीवन में भेजते हैं, जिसके द्वारा मेरा और आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आप में से किसी ने चाकू पर धार चढ़ाया है क्या? अरे कोई भी शादीशुदा व्यक्ति होगा तो इस बात की संभावना है कि हफ्ते दो हफ्ते में उसकी पत्नी आकर कहेंगी कि इस चाकू में जरा धार कर दीजिए। मैं अक्सर करता हूँ। पत्थर है वो आपके बिहार से आया है, उस पर अच्छी तरह से रगड़ते हैं, धार करते हैं। बिहार से या उड़ीसा से किसी मेरे किसी विद्यार्थी ने लाके दिया था। लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि धार करने के साथ साथ बीच बीच में उस चाकू को लेकर उस पर उसकी धार पर इस तरह से हाथ फेर कर मैं देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? मुझे अपना हाथ कटवाना है क्या? नहीं। तो फिर जबरदस्ती मैं चाकू के ऊपर हाथ क्यों फेर रहा हूँ? मैं ये देख रहा हूँ, जांच रहा हूँ कि चाकू में जितना धार होना चाहिए उतना हो गया है क्या। इसी तरह से प्रभु जब अपने बच्चों को संसार में भेजते हैं और जब उनको उनकी ज़रूरतें प्रदान करते हैं, तब बीच बीच में प्रभु उनको जांच कर देखते हैं कि उनके जीवन में उनके विश्वास में जितनी धार होनी चाहिए, वो जितना तेज होना चाहिए वो है या नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझकर मेरे और आपके जीवन में जब कोई छोटी या बड़ी मुसीबत आती है, तब एकदम से अपने जीवन में टूट जाने के बदले इस बात को समझें कि प्रभु जांच कर देख रहे हैं कि हमारे विश्वास में कितनी धार है, और इस कारण हमको टूटने के बदले प्रभु से याचना करनी चाहिए कि प्रभु आज मैं अपने घर पैसा भेजने वाला था,
और प्रभु ये पैसा नहीं मिलेगा तो मेरे घर वालों के पास राशन दाल के लिए पैसा नहीं होगा, प्रभु मेरी मदद कीजिए। प्रभु करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये प्रभु का रास्ता है, प्रभु रास्ते निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आज जो पहला पॉइंट आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है, जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके प्रभु के परिवार में जन्म लिया है उसको प्रभु जरूर जांच कर देखेंगे। दूसरी बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि जब प्रभु हमको जांचते हैं तब हमारा व्यवहार क्या है उस पर निर्भर करता है कि प्रभु हमको क्या जवाब देते हैं। यदि हम ये जवाब देते हैं कि प्रभु मुसीबत आई, आपने मुसीबत मेरे ऊपर भेजी है, या आप जानते हैं कि मेरे ऊपर आज मुसीबत आई है, प्रभु मेरा आश्रय सिर्फ आप हैं और प्रभु मेरे लिए एक रास्ता निकालिए, तो प्रभु जरूर रास्ता निकालेंगे। उसके साथ एक तीसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि यदि प्रभु जब हमको टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए परीक्षा भेजते हैं, तब यदि हमारी प्रतिक्रिया सही हो तो प्रभु कहेंगे मेरे बेटे मेरी बेटी मैंने तुझे जांचा, तेरे विश्वास में तो पर्याप्त धार है, मैं तुझे अनुग्रह देता हूँ। नहीं तो जब मैं उस चाकू को लेकर धार देखता हूँ और जब लगता है कि धार पर्याप्त नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, उसको और घिसता हूँ। उसी तरह से यदि आपके जीवन को जांचते हैं, जब प्रभु जांचते हैं और यदि आपकी प्रतिक्रिया को देखकर प्रभु को लगता है कि इसका विश्वास अभी पर्याप्त नहीं है, तो प्रभु आपको और कठिनाइयों से होकर गुजारेंगे, जिससे कि आप अपने जीवन की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए प्रभु पर विश्वास करना और आश्रय करना सीख सके। ये तीन बातें हैं जो आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मैं फिर से याद दिला दूँ, नंबर वन, को किसी का भी जीवन मुसीबत से फ्री नहीं होता है, प्रभु अपने बच्चों पर उनको जांचने के लिए मुसीबत भेजते हैं। नंबर दो, हम पलटकर हमें प्रभु से याचना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलिए, ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। लेकिन यदि प्रभु से याचना करने के बदले हम अपने जीवन में बड़बड़ करने लगें, प्रभु के विरुद्ध बोलने लगें, तो जांच कर प्रभु को लगता है कि अभी इसका विश्वास पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हुआ है, इसका विश्वास और मजबूत होना है, इस कारण प्रभु और मुसीबत भेजते हैं जिससे कि हम प्रभु पर आश्रय करना, प्रभु पर भरोसा रखना सीख सके। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, आज इस सभा में ऐसे कई भाई बहन लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे प्रदेश में नौकरी धंधा कर रहे हैं जो जहाँ ना तो उनकी भाषा बोली जाती है, ना उनके उनका कल्चर है, ना उनके समान भोजन है, कुछ भी तो नहीं है। क्यों ये इतना संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार को पालने के लिए? और जब हम इस तरह से अपने परिवार को पालने की कोशिश करते हैं तब प्रभु अपने बच्चों पर इस तरह की बातें जब भेजते हैं, तब जैसे जैसे ये घटना होती है वैसे वैसे हमें प्रभु की ओर मुड़ना सीखना चाहिए, और जैसे जैसे हम प्रभु पर आश्रय रखेंगे वैसे वैसे प्रभु हमारी मदद करेंगे। लेकिन आज प्रभु की वाणी जो लोग सुन रहे हैं इनमें शायद दो तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं पाया है, जिन्होंने कभी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। उनसे चार वाक्य में मैं अगला पॉइंट बोलना चाहता हूँ, चौथा पॉइंट वो ये है, मेरे प्रिय भाई या बहन,
मनुष्य पापी है, पापी को मुक्ति की जरूरत है, लेकिन कोई भी पापी अपनी मुक्ति अपने आप नहीं कर सकता। चौथी बात, प्रभु यीशु वो मुक्ति, वो छुटकारा, वो उद्धार आपको एक वरदान के रूप में देना चाहते हैं। मैंने वो पाया है। आज पुलपिट में खड़े होकर जितने लोगों ने आपके सामने गाने गाए, अगुवाई की, प्रार्थना की, उन लोगों ने उस नए जीवन के अनुभव को पाया है। आपने पाया है क्या? नहीं तो इस हॉल को छोड़कर बाहर जाने से पहले हम में से किसी से पूछकर, उसको अच्छी तरह से समझकर इस नए जीवन को पा लें, और पाने के बाद ही इस सभा से जाएं, ये मेरा अनुरोध है। आज प्रभु ने इस तरह का जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु को शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे। जय मसीह की।